हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलिस। गाइस, अभी आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ करंट एनर्जी आपके पर्सन की क्या है टुवर्ड्स यू, और देखूंगी उनका नेक्स्ट एक्शन भी क्या रहेगा आपके लिए। तो अभी मैं देखूंगी उनकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू क्या है। जगलिंग में है आपके पर्सन, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं जगलिंग में है। हो सकता है आजकल बहुत ज़्यादा काम में भी बिजी है, या फिर अभी ये देखेंगे कहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं आगे भी। कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, किसी को कम्युनिकेशन शायद मिल जाएगा आपसे, बात करने का आपके पर्सन का मन हो रहा है। यस, आपके लिए काफ़ी अच्छी फीलिंग है आपके पर्सन के मन में, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, और हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को कम्युनिकेशन मिल जाएगा अगले 8 घंटे में। हो सकता है 8 डेज भी मुझे लग रहा है, 8 आवर्स भी लग रहा है मुझे। बस कोई ऐसी सिचुएशन है कुछ तो ऐसा जहाँ पे आपके पर्सन ना स्टक है, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मिलने का मन हो रहा है उनका, आपसे बात करने का मन हो रहा है। कोई एक्शन, अगर कुछ ऐसा सिनेरियो था कि जिसके कारण कोई एक्शन नहीं हो रहा था आप दोनों की रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे ये पर्सन चाह रहे कि कोई एक्शन ली जाए। एक्शन के कार्ड तो है गाइस, बट कुछ तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी है आप दोनों की रिलेशनशिप में, कुछ बड़ा बदलाव भी आने वाला है, या फिर ऑलरेडी उनके लाइफ में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिसके चलते ही मुझे लगता है ये स्टक वाली जो एनर्जी, मुझे लगता है उसी के कारण है। 8 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, 8 नंबर, बट ये 2 की एनर्जी, 8 की एनर्जी, 13, 1, पूरे अपने विजडम से, अपने स्ट्रेंथ से काम ले रहे पर्सन। यस, आपके साथ एक चाहते हैप्पी वाली लाइफ, अबेंडेंट, आपके साथ अबेंडेंस में मनते, मतलब कैसा कि हम जो चाहते हैं ना कि लाइफ में सब कुछ मिले, कि मन में ऐसी चीज़ रहती है, कि मन से ऐसी जुड़ी चीज़ रहती है कि एक अच्छा साथीदार मिले, जहाँ पे वो सारी बातें की जाए, वहाँ पे वो सारी फीलिंग शेयर की जाए। तो ऐसी एक ज़िंदगी हर कोई अपने लाइफ में चाहता है, और ये पर्सन चाहते हैं ऐसी मन की बात, ऐसी मन वाली चीज़ जो उनके मन में बसी है, और जो चाहते हैं कि आपके साथ वो चीज़ें हो जाए। और एक लास्ट वाला कार्ड देखेंगे गाइस, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली आया है, और ये लास्ट वाला कार्ड लेंगे हम लोग अभी। मैरिज की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है आजकल किसी के लिए। हो सकता है सच में कोई रिश्ता आया है, या फिर रिश्ते की बात चल रही है, मनचाहा पार्टनर, या ये पर्सन, मतलब ये पर्सन ही आपके मनचाहा पार्टनर है, तो ये हो सकता है आपको कमिटमेंट मिल सकती है, जस्टिस आपको इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली मिलेगा। देखिएगा इसको, ये सब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बार बार मेरा जो ध्यान जा रहा है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन हैंगमैन के ऊपर ही जा रहा है। तो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के लाइफ में हुआ है जिसके चलते पर्सन कुछ जगह पे, एक सिचुएशन में ऐसे स्टक है, समझ नहीं पा रहे पर्सन की किस तरह से निकला जाए। इसीलिए ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा जगलिंग में रहती है कि किस तरह से निकला जाए, किस तरह से काम किया जाए। बट यस, एक स्टार्ट करने की कोशिश ये पर्सन करेगा, और स्टार्ट की करने की कोशिश मतलब एक कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है इस पर्सन की ओर से आपके लिए। और ये पर्सन अपना पूरा यहाँ पे पूरा अपना एफर्ट डालेगा अभी इस रिलेशनशिप में, क्योंकि चाहता है ये पर्सन अपने पूरी स्ट्रेंथ से आके, ये पर्सन चाहेगा कि किस तरह से आपसे मिला जाए, और एक ऐसे मैरिज
आपके साथ बनाई जाए, आप एक ऐसा कनेक्शन आपके साथ बनाया जाए परमानेंटली, कि जहाँ पे हेल्दी वेल्दीनेस हैप्पीनेस एक एक्शन हो, पैशन हो, प्यार हो, अनकंडीशनल लव हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ये हो सकते हैं आपके हाई वाइब्रेशनल सोलमेट भी हो सकते हैं, और ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी आ रही है गाइस, तो ये पर्सन की करंटली तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको सोच रहा है। आप इस पर्सन के चल रहे दिमाग में ये पर्सन को बात करने की कोशिश भी करेगा, और कुछ ना कुछ एक्शन ऐसे करने लेने की कोशिश डेफिनेटली करेगा कि जहाँ से आप दोनों की रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें आ जाए जो पहले बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस थे, कोई स्टक वाली एनर्जी थी, हैंगमैन वाली सिचुएशन थी, उस चीज़ को ख़त्म करते हुए पर्सन आपको लेके अभी सोच रहे हैं। देखोगे नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या है टुवर्ड्स यू। नेक्स्ट एक्शन क्या है, कुछ गलत अगर किया है, ट्रांसफॉर्मेशन जब देखा तभी समझ में आया था, कुछ अगर गलत हुआ है तो अपोलॉजी मिलेगी आपको और नए प्यार की एक स्टार्ट भी हो जाएगी इसे, या फिर इसी कनेक्शन में एक नई स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, किंग ऑफ कप, वेरी गुड गुड गुड, सो नाइस। हेरोफेंट, मैरिज कमिटमेंट मिल जाएगी, प्यार भी मिलेगा, अनकंडीशनल प्यार मिलेगा। ये पर्सन को रियलाइज हो जाएगा आपका प्यार आपके साथ, इस पर्सन की फीलिंग बहुत ज़्यादा अभी जेन्युइन होने वाली है। आप लगते हैं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और ये पर्सन कोशिश पूरे एक्शन में आ रहा है, अपने कंप्लीट एफर्ट डालेगा इस रिलेशनशिप में। अभी बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है गाइस, गलत सलत तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। देखिए इस पर्सन को समझ में आ चुका है आप उनके या तो सोलमेट हो, लवर का भी कार्ड आ चुका है, मैक्सिमम लोग हाई वाइब्रेशन सोलमेट है, नहीं तो ट्विन फ्लेम है। ये अगेन कंफर्म हो चुका है कि यस ये कनेक्शन है ऐसा, और ये पर्सन को भी कुछ ना कुछ ऐसा फील डेफिनेटली हुआ है कि आपसे उनका रिश्ता ना शायद कई जन्मों से है। ये अनकंडीशनल वाला लव तभी होता है, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर आप इस पर्सन को बचपन से जानते हैं, काफ़ी सालों से आप जानते हैं, आप लोगों का रिश्ता ऐसा नया नहीं है। हेरोफेंट ये ट्रेडिशनल मैरिज का ही कार्ड है गाइस, और करंट एनर्जी में भी आया था कि ये पर्सन मैरिज के लिए तो आपके साथ मैरिज बनाने के लिए तो सोच डेफिनेटली रहे, और मुझे लगता है नेक्स्ट एक्शन में एक अपोलॉजी के साथ फिर से इस रिलेशनशिप की स्टार्ट होगी। कम्युनिकेशन का कार्ड तो वैसे भी आया था उनका, अगेन स्ट्रेंथ अपने पूरे एक्शन में और पावर में आने की कोशिश कर रहे पर्सन, और आ भी रहे हैं। कितना भी स्ट्रगल करना कर क्यों ना करना पड़े, संघर्ष क्यों ना करना पड़े, ये पर्सन अब हटेंगे नहीं, जस्टिस देंगे आपको। अगर आपके साथ पास्ट में कुछ गलत किया है इस पर्सन ने, तो जस्टिस देंगे ये आपको। अगर या आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ ट्रेडिशनल मैरिज में हो, तो इस मैरिज रिलेशनशिप में मुझे सुधार आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा हर्मिट मोड इस पर्सन का रहेगा, ये हर्मिट मोड यहाँ पे मुझे निगेटिव नहीं लग रहा है, कुछ तो समझने की कोशिश करेंगे, कुछ एनालाइज करने की पर्सन कोशिश करेंगे, इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि एनालाइज करना चाहिए, थोड़ा उनको टाइम देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए, तभी तो वो जान पाएंगे कि उनसे गलती कहाँ हुई हो गई थी। और मैक्सिमम मुझे एक एनर्जी ये भी लगती है कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड और आप लोगों में कुछ चीज़ें अनबन हो गई थी, तो करंट एनर्जी भी आपके पर्सन के आपको लेके काफ़ी अच्छी है, और नेक्स्ट एक्शन में भी ये पर्सन आपको कंप्लीट जस्टिस देंगे इस रिलेशनशिप में। अगर आप मैरिड नहीं हो तो इस पर्सन में मैरिड हो तब भी और मैरिड नहीं हो तब भी, इस पर्सन के मन में आपके लिए वो अनकंडीशनल जन्म जन्मांतर वाला प्यार जागने वाला है आपके लिए, और ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे। क्योंकि देखिए इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करेंगे, और आपका जो लविंग केयरिंग जो नेचर है ना, वो भी इस पर्सन को ज़्यादा मिस आउट करेगा इस पर्सन, और सोच में पड़ेगा कि उसने सच में अगर आपके साथ कुछ गलत किया था तो किसने कितनी बेवकूफ़ी वाली बात इस पर्सन ने की थी,
तो ये चीज़ें रियलाइज हो जाएंगी, इन्हीं यही रियलाइजेशन के साथ ये पर्सन आपके साथ एक एपोलॉजी लेते हुए आ रहा है, और आप बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट, लव कमिटमेंट भी मिल जाएगा। अगर किसी ने लव कन्फेस नहीं किया है तो शायद हो सकता है उनके सामने लव कन्फेस हो जाए, और किसी ने कमिटमेंट नहीं दिया तो किसी को हो सकता है कि कमिटमेंट मिल जाए। ये पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए कंप्लीट पॉजिटिव एनर्जी गाइस, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर ये पर्सन चुप रहता है, कुछ दिन तक आपसे बात नहीं करता है, तो यहाँ पे भी ना आपको गलत नहीं लेना है इस पर्सन को। ये पर्सन के मन में आपके लिए कहीं भी गलत सोच मुझे नहीं दिख रही है। मैं देखूंगी कि आपकी एनर्जी क्या है अभी इस वक्त इस पर्सन को लेके। आपकी एनर्जी इस पर्सन को लेके क्या है, और ये जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल गाइडेंस के तौर पर ही आपको लेना है। कभी कभी कोई रीडिंग आपको रेजोनेट हो जाती है तो फिर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं गाइस, तो आपको वो देख लेना डेफिनेटली, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिल जाएगी। और जो लोग पहले दिन से मुझे जुड़े, अगेन दिल से बहुत बहुत सभी लोगों का शुक्रिया, इसी तरह से फैमिली का हिस्सा बना रहे और मेरा हौसला बढ़ाई रहे। आपकी एनर्जी क्या है अभी इस वक्त, आप तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं इस पर्सन को लेके। एनर्जी तो अभी भी लवी डबी कंप्लीट प्यार है भाई आपके मन में भी इस पर्सन को लेके। आजकल आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, प्रोटेक्टिव हो रहे हो, कंफ्यूज भी हो, ऐसा क्यों? बैलेंस भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी ओर से क्या हो रहा है अभी एनर्जी को? आपके मन में प्यार तो है, बट मुझे लगता है ना अभी थोड़ा बहुत मैं समझ पा रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था, हैंगमैन का कार्ड था, तो शायद ना इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा पास में हुआ था जिसके कारण आप थोड़े कंफ्यूज हो गए हो, बट प्यार तो आपको इसी पर्सन से है। आपके भी मन में अनकंडीशनल प्यार है उनको लेके, और आप नहीं भूलेंगे इस पर्सन को, उल्टा आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे, पॉजिटिव हो रहे इस पर्सन को लेके। बट फिर भी आप कंफ्यूज में रहेंगे कि अगर ऐसा है तो उस टाइम ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। बट फिर भी आप बैलेंस देखिए, मैंने पहले रखा था फिर भी वही आया, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। थोड़ा अपना डिटैचमेंट में है शायद आजकल, प्यार भी है मन में बट डिटैच भी हो रहे, ये ऐसी ड्यूल एनर्जी क्यों है आपकी? बैलेंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हो, कंफ्यूज भी हो, बैलेंस भी बनाने की कोशिश कर रहे हो, और स्टेबिलिटी भी लाने की कोशिश कर रहे हो। सकता है बहुत ज़्यादा काम में आप उलझे हो, काम में फोकस कर रहे हो, या फिर देखिए करियर वाइज देखेंगे वेरी गुड, दोनों की कितनी सिमिलर एनर्जी आ रही है। आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, टू की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, यूनियन तो हो जाएगा गाइज आपका, टेंशन नहीं मत लो आप, कंफ्यूज की एनर्जी नहीं रहनी चाहिए, फोकस कर रहे हो आप अपने आप पे। अगर आपने कोई किसी काम में आप स्टार्ट किया है, कोई जॉब स्टार्ट की, मुझे लगता है कि शायद आपको या तो ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, वो स्टेबिलिटी मिल चुकी है, किसी को प्रमोशन मिल चुका है, या फिर कोई ऐसी करियर में अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है या फिर मिलने वाली है, कोई ऐसी विश हो रही है कम्प्लीट। आप देखिए कंफ्यूज है, शायद फोकस ये आपकी एनर्जी में लगातार ये नाइन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी आती है, तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग हैं ना अपने आप पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो खुद, या अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है, रहना चाहिए। कोई स्टार्ट डेफिनेटली हुई या तो काम में या तो रिलेशनशिप में, जहाँ से आपकी विश फुलफिलमेंट, ये अगेन मैंने अभी भी 4-4 पोर्टल की भी एनर्जी डाली, तो वहाँ पे भी ये 9 of Pentacles एंड 9 of Cups, वहाँ पे भी ये एनर्जी मैंने अलग डेक से निकाली थी, वहाँ पे भी ये चीज़ आई है, और न्यू स्टार्ट के Ace of Pentacles उस एनर्जी में भी आया था, यहाँ पे भी आई है। तो यस, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप रिलेशनशिप के लिए भी देख सकते, बोल सकते हो रिलेशनशिप के लिए भी, या काम में अगर आपने कोई
ढूंढ रहे हो या करियर जॉब, या फिर ऑलरेडी आप किसी ऐसे जॉब में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो यस कंपटीशन है, बट आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप आराम से जाएंगे, वो मुकाम भी हासिल करेंगे जो आप चाहते थे, जो आपकी विश फुलफिलमेंट थी अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने रिलेशनशिप में, अपने लव कनेक्शन में, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। हाँ, थोड़ी बहुत एनर्जी अभी आपकी कन्फ्यूज में है, आप शायद भरोसा नहीं कर पा रहे इस पर्सन पर अभी, क्योंकि काफ़ी पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण आपने काफ़ी हद तक डिटैचमेंट मोड में आप चले जाते हो इस पर्सन से। जैसे कि पहले आप बहुत ज़्यादा पीछे पीछे भागते थे, इस पर्सन को चेस करते थे, सौ सौ मैसेज करते थे, अगर रिप्लाई नहीं आता तो रोते थे। अभी ये एनर्जी आपकी नहीं लग रही है, अब एनर्जी ऐसी है कि अब आपने ना इस पर्सन अपने आप ने पूरा बैलेंस बना लिया, और आपने ये जो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा को इंडिपेंडेंसी में डालती थी, तो उसको आपने डिटैच कर दिया है, और आप ये आ चुके हैं अपने सेल्फ लव की एनर्जी में, आप आ चुके हो। आपको अब फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब आपने अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया है, या तो आपने आपको ऐसे काम में उलझा लिया है जो आपका मनपसंद काम है और जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिल चुकी है। ऐसा नहीं है तो रिलेशनशिप में आपको कम्प्लीटली भरोसा है, और आपको शायद 90% आपको यकीन भी है कि ये रिलेशनशिप आपका सेफ है, बट फिर भी पास के कुछ हादसों के कारण या फिर कुछ ऐसे सडनली ब्रेकडाउन होने के कारण आप कुछ कंफ्यूज मोड में हो, जहाँ से थोड़ी बहुत एनर्जी आपके 10% 20% डामाडोल है, बट आप बैलेंस भी बना रहे हैं। अब आप अपने आप के ऊपर किसी को ज़्यादा हावी नहीं होने दे रहे, क्योंकि अब आप सतर्क भी है। इस तरह से आप फिर से कोई आपको इमोशनली बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हाँ, आप प्यार डेफिनेटली कर रहे हैं, और बट इस टाइम आप सूझबूझ की एनर्जी से आप प्यार कर रहे हैं, खुद को पहले रख के आप प्यार कर रहे हो, और ये सबसे अच्छी चीज़ है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस एनर्जी, और आप रेडी हो हर चीज़ के लिए, हर कंपटीशन के लिए, हर झगड़े के लिए, हर आर्गुमेंट के लिए आप रेडी हो। ऐसा नहीं कि आर्गुमेंट का जवाब आर्गुमेंट से देते हैं, आर्गुमेंट का जवाब मुझे लगता है आप काफ़ी समझदारी से देते हैं। तो ये आपकी एनर्जी भी बड़ी अच्छी लगी गाइस मुझे, ये है आपकी एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी। देखोगे एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। आपकी एनर्जी भी अच्छी, क्या आपकी भी नेक्स्ट एक्शन निकालो, आपकी नेक्स्ट एक्शन मतलब आपका फ्यूचर भी आप कंसिडर कर सकते हैं। वेरी गुड, फ्यूचर में तो वही है आपकी, वो लाइफ है, मैंने बोला ना कि उस एनर्जी में आए, काम करते करते लाइफ भी मिल जाएगी आपको। बड़ी अच्छी एनर्जी है, अगेन किंग ऑफ पेंटेकल्स, हैप्पी फैमिली लाइफ विथ अ कंप्लीट स्टेबिलिटी विथ अ कंप्लीट अबंडेंस। सम्मान मिल रहा है, अपनी वैल्यू मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, रिस्पेक्ट बढ़ रही है, या फिर ऐसा ओहदा आपको मिलने वाला है फ्यूचर में जिसके आप हेरोफेंट, अगेन हेरोफेंट। अगर आप ऑलरेडी मैरिड होना गए तो आपकी मैरिज रिलेशनशिप तो बहुत बल्ले बल्ले। मुझे जब गाइडेंस जो आती है गाइस मैं तो वो देती हूँ, तो अगर आप किसी मेरी बात से हर्ट होते हो देन आई एम वेरी सॉरी, बट आपको बस कुछ बातें समझाना, इतना ही मेरा इंटेंशन रहता है गाइस आपको, आपके लिए, आपको ओपन माइंडेड होके लेनी बातें, आपको ज़्यादा नहीं जाना है। नाइट ऑफ पेंटेकल्स, पेंटेकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है गाइस यहाँ पे, आप सूझबूझ के साथ जाएंगे अभी आगे। ये समझदारी वाली बात मुझे आपकी बार बार आ रही है एनर्जी, कि आप बहुत ज़्यादा आजकल समझदारी से काम ले रहे हो, हर चीज़ पे गुस्सा नहीं, हर चीज़ पे झगड़ना नहीं, बिल्कुल शांति से चीज़ें सॉल्व करना,
शांतिपूर्ण तरीके से चीजों को डील करना। किंग ऑफ सोर्स की भी एनर्जी लगातार आ रही है, ये किंग की एनर्जी में आप बहुत ज्यादा आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल फालतू बात नो बकवास सब चीजों को आप तो उड़ा देंगे अपने लाइफ से। इन चीजों के लिए आप अपने लाइफ में आप कोई जगह नहीं देंगे। डिटैचमेंट मोड की एनर्जी आपकी रहेंगी। डिटैचमेंट मतलब कोई भी निगेटिविटी है, निगेटिव एंटिटीज है, निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव किसी का थॉट प्रोसेस है, तो मुझे लगता है इन चीज़ों को आप अपने आप के ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने देंगे। आप काम पे फोकस रहेंगे, अपने फैमिली पे फोकस रहेंगे या फिर अपने रिलेशनशिप पे फोकस रहेंगे। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड आप हो रहे हो और ऐसा होता कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड। पेज ऑफ वैंड्स, धीरे धीरे अपनी चीज़ें बढ़ा भी रहे हो, एक्शन में भी आ रहे हो, बट कुछ सीक्रेट्स अभी भी है जो शायद सामने आने ज़रूरी है या फिर फ्यूचर में आ जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी है शायद इसीलिए ना आप ये किंग की एनर्जी में जाके बैठे हो कि अगर कुछ सामने भी आता है तो उसका कितना इफेक्ट खुद पे। आप पेज की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे लगता है जहाँ पे एक तरह किंग की एनर्जी आ रही है वहाँ पेज की भी एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है आपकी एज 20-25 के अराउंड आपकी एज है। यहाँ पे एज अपनी आपकी कम है बट आप में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, पेशेंस शायद ज़्यादा आप डेवलप कर रहे हो, अपने आप में मैच्योरिटी डेवलप कर रहे हो। एज आपकी कितनी भी हो, एनर्जी आपकी यूथ की है, एज आपकी कम है और मैच्योरिटी आपकी बिल्कुल एक समझदार पर्सन वाली है। 20-25, 30-35 ऐसे एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। काम पे ही फोकस आप ज़्यादा रहेंगे या अपना ऑलरेडी कोई मैरिड रिलेशनशिप है वहाँ पे काम करेंगे, वहाँ पे फोकस करेंगे, उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ सीक्रेट्स अभी भी है, शायद वो आ जाएंगे बट मुझे लगता है ना आप थोड़ा आप मैच्योर बन चुके हो, आपको अब पता है कि किसको किस तरह से डील करना है। ये चीज़ें आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करने वाली आगे भी। आपका भी फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, ऐसा ही नहीं है। आप आगे क्या आपकी क्या एक्शन रहेंगी और आप आगे क्या करेंगे, ऐसी एनर्जी में फ्यूचर भी आप बोल सकते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स ऐसा अगर बोलेंगे तो यस वेरी गुड, वाव सो ब्यूटीफुल। एक मांगे थे फिर से दो मिल चुके अगेन की। देखिए किंग की एनर्जी बहुत है, अगर नेक्स्ट एक्शन भी लेंगे तो आप तो एक्शन में आ जाएंगे, निगेटिव चीज़ों को उड़ा देंगे। कुछ सीक्रेट्स भी सामने आते तो उनसे कैसे डील करना है पता है, सन का काड़ा आ चुका, सब कुछ आ चुका है, एक्शन में है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, अपने एक्शन पे कंट्रोल है, काम पे फोकस है, मैरिड रिलेशनशिप है तो वहाँ पे आप अपना फोकस डालते हुए दिख रहे हैं और इसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। सब कुछ फैमिली है, रिलेशनशिप है, वर्क है, करियर है, जॉब है, सब में सक्सेस आपको मिल रही है आगे चलकर। एक ही कार्ड निगेटिव गए बट मुझे उसका भी इतना नहीं दिख रहा है, उसके तुरंत बाद एक स्टेबिलिटी का भी कार्ड है और फिर से आप अपने काम पे फोकस हो रहे हो, इस रिलेशनशिप में आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अगेन मैं बोलूँगी ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा लग रहा है आप लोगों का। तो गाइज ये है आपका नेक्स्ट एक्शन या फिर आपका फ्यूचर भी आप बोल सकते हैं, तो ये भी एनर्जी काफ़ी अच्छी आई। देखोगे एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल बोले इट्स यू आर रेडी एंड इट्स अप टू यू। यस आप ही पे है, आप रेडी हो। मैंने बोला ना आपके हाथ में तलवार भी है, आपके हाथ में वैंड भी है, आपके हाथ में पैसा भी है। अब आप सब चीज़ के लिए रेडी हो, कहाँ पैसा लेना है, कहाँ वैंड दिखानी है, कहाँ भगाना है, कहाँ कट करना है, ये आपको पता है। इट्स अप टू यू।
आप ऐसे मैच्योर्ड एनर्जी में अब आ रहे हो। नो नीड टू वरी एंड एस फाइनल आंसर इज यस। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपके लाइफ में वो सारा कुछ मिल रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट भी शायद बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है बट और होने की किसी किसी की होने की कगार पे है, बट विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली हो रही है आपकी, उसमें कोई भी मेरा दोहरा मत नहीं है। और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हर चीज़ के लिए रेडी हो, एंजल आपको बोल रहे हैं। इसी तरह से खुद को स्ट्रांग बना के रहिए, अपने आप की हेल्प खुद ही किया कीजिए, मुझे लगता है आप कर भी रहे हो। ओके गाइस, तो ये थी मेरी आज की दूसरी रीडिंग। अच्छी लगे डेफिनेटली लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी लोगों का दिल से बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।